नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंच पर। आज एक बहुत ही अहम मुद्दा मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने, क्योंकि एक चीज़ होती ना कि हद हो जाती है, तो अभी हद ही पार हो रही है। यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम हो रहा है 16 अगस्त को बीईओ का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी का, जो 22 मार्च को होने वाला था। जब उतने केसेस नहीं आ रहे थे कोरोना के, जब एग्ज़ाम किया जा सकता था तब एग्ज़ाम नहीं कराया गया, और अब 16 अगस्त को जब लग रहा था कि कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता, अभी कोई इतना सीरियस था भी नहीं। बिकॉज़ सीरियस होने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे थे, बट स्टूडेंट्स के मन में एक डर तो था ही, कोरोना का एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि लोग घर पे हैं, लोगों के अंदर एक स्ट्रेस बना हुआ है कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अमेरिका जैसे देश को नहीं छोड़ पा रही, तो इंडिया तो कहीं स्टैंड नहीं करता, ऐसा लग रहा था सबको ही। और इसी बीच सैटरडे संडे लॉकडाउन किया यूपी गवर्नमेंट ने, फिर 2-3 वीक बाद ये पता चलता है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन के बावजूद बीएड की परीक्षा हो जाती है। कुछ अखबारों में निकाला भी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, और कुछ ने निकाला कि एग्ज़ाम करवा लिया है यूपी गवर्नमेंट ने। अच्छी बात है, एग्ज़ाम कराना चाहिए, लोगों का साल ख़राब हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी से खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए। और सिर्फ कोरोना का डर ही नहीं है, कोरोना का डर तो है ही, बिकॉज़ आप सभी को पता है कि अभी नोटिफिकेशन भी आया है यूपीपीसीएस पे कि सभी छात्रों को मास्क लगा के आना है और सैनिटाइज़र लेकर आना है। इतने पता है हमें कि छात्र गरीब हैं जो एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है वो सैनिटाइज़र ना रखते हों, हो सकता है वो साबुन से ही हाथ देकर धोकर कोरोना से बच रहे हों, तो स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए जो भी सैनिटाइज़र खरीदेंगे। बेरोज़गारी का हाल सबको पता है, सबकी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां तो है ही नहीं, और ये जो मनमानी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या, मतलब मेरे पास इतने सारे तर्क हैं कि एक तो स्ट्रेस है, तो लोगों ने तैयारी नहीं की है, सीरियस कैंडिडेट्स कम हैं, और हो सकता है जो हो वो जा ना पाए एग्ज़ाम देने, क्योंकि ये डिफरेंट ज़िलों में हो रही है, दूर दूर हो रही है, तो अगर जिसके पास गाड़ी नहीं है खुद की तो वो सोचेगा कि बस से जाने को, तो बस में कितना सेफ़ है, क्योंकि उसको सीधे डायरेक्ट बस से सेंटर में जाना है, सेंटर में कितने लोग होंगे, और ये नहीं कि वो नहा के फिर, जैसे हम कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो नहा के फिर अंदर घर में जाएंगे, लेकिन ये तो सीधा सेंटर जाना है, और सेंटर वाले अगर खुद सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो भी स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आपकी तैयारी कैसी होगी, आप कितने लोगों की जान को, क्योंकि ये बस स्टूडेंट्स का नहीं है, ये उनकी फैमिली के लिए भी प्रेशर है, ये उनकी फैमिली के लिए भी एक स्ट्रेस है कि एग्ज़ाम हो रहा है। और ये एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है, बीएड का एग्ज़ाम हुआ ठीक है, वो एग्ज़ाम छोड़ा जा सकता था क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी बीएड किया जा सकता है, पर बीईओ का एग्ज़ाम एक नौकरी का एग्ज़ाम है, जॉब का एग्ज़ाम है, उसको छोड़ने का मतलब है कि आप एक अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, आप ये तो एक खिलवाड़ है ना, कि आप एक तो आपने सीरियसली तैयारी नहीं करने दी बच्चों को, क्योंकि सबको लग रहा था कि जब सैटरडे संडे लॉकडाउन है तो एग्ज़ाम कैसे होगा, सारी चीज़ें रद्द हो रही हैं तो एग्ज़ाम कैसे होगा, अचानक से एग्ज़ाम होने लगता है, एग्ज़ाम होने के बाद फिर अलग अलग ज़िलों में एग्ज़ाम है, बस से जाना है, ट्रेन से, हमने देखा है कि यूपी के एग्ज़ाम में स्टेशन्स पे इतनी भीड़ होती है, जब एमपी गवर्नमेंट 6 महीने के लिए स्थगित कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों बच्चों की ज़िंदगी से, उनकी फैमिली की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ गई है, सबके पास पैसे नहीं है कि वो कार करके, बुक करके सेफ्टी से सेंटर में पहुँचेंगे, क्यों ये नहीं समझ में आ रहा है इनको, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी देना है एग्ज़ाम, मेरे पास गाड़ी है, मैं जा सकती हूँ एग्ज़ाम देने,
पर मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है, बहुत दुख होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या देंगे तो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में, बस से आना पड़ेगा उन्हें। बाकी लोगों के लिए कितना सेफ़ है आप खुद जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनके लिए कितना सेफ़ है, क्या उस तरह की व्यवस्था हुई होगी? हमें पता है हम देते रहे हैं UPPCS के एग्ज़ाम, कई बार ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसमें दो रूम भी मुश्किल से, बहुत बहुत ही ज़्यादा ये मनमानी, पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या है इसके पीछे प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपके पास लोग नहीं हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल तो रख ही रहे ना लोगों को, हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, हर इंस्टीट्यूशन में कॉन्ट्रैक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, तो अभी उसी से काम क्यों नहीं चलाया जा सकता? ऐसी कोई आपत्ति, ऐसा नहीं लग रहा कि आपातकाल की स्थिति है और BEO तो हमें रखने ही रखने हैं। अच्छी बात है, एग्ज़ाम करना चाहिए, टाइम से कर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट इस तरह से बिना किसी, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और मुझे लगा कि हो सकता है कुछ तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ लगेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर बुरा लगा और आप सबसे शेयर करना चाहती थी तो मैंने शेयर किया। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, तैयारी नहीं हो पाई है, सीरियस कैंडिडेट्स हो सकता है आ नहीं पाए, बहुत लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि दूर दूर है एग्ज़ाम सेंटर्स, कितनी तैयारी होगी एग्ज़ाम सेंटर्स में वो तो हम नॉर्मली भी देखते हैं। और BEd का एग्ज़ाम लोग छोड़ भी सकते थे, ये वाला एग्ज़ाम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? 5 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स हैं, 5.5 लाख, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स हैं, पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने सोचा है, क्या UPPCS ने सोचा है। होप कि कुछ अच्छा सोचा हो, पॉजिटिव सोच के साथ, हम भी चलिए पॉजिटिव रहते हैं, पर जिन लोगों के साथ नहीं है पॉजिटिव, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है। खैर, हम तो बस ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। आप जाइए एग्ज़ाम देने तो सेफ्टी से जाइए, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, प्रिकॉशंस पूरी तरह से लीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रिकॉशंस लीजिए। नहीं है आपके पास अगर सैनिटाइज़र तो साबुन ही लेकर जाइए, पानी लेकर जाइए। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।